वॉच। हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एयरसॉफ्ट गन इंडिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं CZ-75 का, ये कैसे फायर होता है, कैसे CO2 लोड करना है, कैसे अनलोड करना है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को जो है दिक्कत आती है गन चलाने में। तो हमने सोचा एक सीरीज बनाते हैं हाउ टू यूज़। तो आप बताइएगा किस गन के बारे में हम लोग बनाए वीडियो, हाउ टू यूज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप इस गन को कितना रेटिंग देना चाहेंगे, 1 से लेकर 10 के बीच में आपको रेटिंग करना है। तो चलिए, टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज योर टाइम इज प्रीशियस। ओके, दिस इज द गन CZ-75 कार लाइन पैरा। इसे मैं निकाल देता हूँ। इसके साथ आपको एक एलन की है, ये आएगा। जब भी आप गन इस्तेमाल करें, पहले उसकी पूरी की पूरी जो है मैनुअल को पढ़ लीजिए। इसको आप पूरा पढ़ देंगे तो आपको आइडिया लगेगा हाउ टू यूज़, क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस इज़ द मैगजीन, इसका मैगजीन है। उसके मैगजीन के बैक पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, आफ्टर यूजिंग द CO2 मैगजीन चार्ज रिलीज ऑल द गैस टू अवॉइड प्रीवेंचर ओरिंग सील फेलियर। मतलब CO2 यूज़ करने के बाद इसका जो है रिलीज ऑल द गैस सारा बाहर निकाल ले, वरना क्या होगा कि आपकी गन जो है डैमेज हो सकती है। इफ़ यू पुश इट एंड यू स्लाइड इट, और आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो हमें इसके लिए पुश करने के लिए क्या चाहिए, वी नीड सम शार्प ऑब्जेक्ट। हमने इसको पुश किया, ये खुल जाएगा। नाउ दिस इज द एलन की। उसके बाद हमको चाहिए एयरसॉफ्ट गन इंडिया का हाई ग्रेड CO2। सो ऑलवेज यूज एयरसॉफ्ट गन इंडिया का CO2, काफ़ी अच्छा होता है और जनरली इट गिव्स नंबर ऑफ शॉट्स मोर। अब इसको खोलना है। वी हैव पेलगन ऑयल, आप पेलगन ऑयल यूज़ करें, क्योंकि ये ब्रांड न्यू है तो इसमें ऑयलिंग ऑलरेडी की गई है, तो हमें इसके अंदर पेलगन ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। 3-4 सिलेंडर के बाद एक बूंद आप डाल सकते हो पेलगन ऑयल, बट डालिए। अब बहुत से लोग क्या करते हैं जब नई नई गन खरीदते हैं, वो इसको ये जो रिंग देख रहे हो ना, ये कट जाती है। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत से, तो बहुत से लोग एक्चुअली कर देते हैं। होता क्या है, वैसे डालते हैं कसने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज कीप इट स्ट्रेट, इस बात का खास ध्यान रखना है। ऐसे कसना है लाइक दिस। जब ये एक जगह से कसना बंद हो गया, टाइट करना है आपको ध्यान से। देखा हल्का सा गैस निकल रहा है, थोड़ा और टाइट करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइट देखो मैंने नहीं किया, जैसे हल्का सा गैस निकला मैंने थोड़ा और टाइट कर दिया। उससे ज़्यादा इस पर प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो सील अंदर की डैमेज हो जाएगी। तो अब इसके अंदर बीबीज भरना है, किसी में यहाँ से डलता है। इसके अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर जगह बना हुआ है, तो हम यहाँ से डालेंगे। अगर जगह आपका यहाँ बना हुआ है तो यहाँ से आप डालेंगे तो गन आपकी डैमेज हो सकती है। तो आप देख रहे हो मैं इसके अंदर बीबीज को लोड कर रहा हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग को छोड़ देते हैं, वैसा मत करिए। अगर पहले स्प्रिंग छोड़ देंगे तो ये बार बार इससे टकराएगा और ये डैमेज हो सकता है। तो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, मैं इसलिए मैं वीडियोज़ में नहीं बताता हूँ। बट देन देयर इज़ अ रिक्वेस्ट हमारी टीम से, बोला कि सर प्लीज़ आप वीडियो बना दीजिए। तो हमने कहा कि चलो क्यों नहीं बना देते हैं। ये पुश करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही भरना है। अगर मैंने इसके अंदर और बीबीज भरा होता तो ये पॉप आउट कर जाता और इसके जो है, और मैगजीन के अंदर भी ना बीबीज स्टोर करके बहुत ज़्यादा मत रखिए। अगर आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो 5-7 से ज़्यादा मत भरिए। जब आप चला रहे हो, अगर आपकी गन की कैपेसिटी 18 राउंड की है, तो उसमें आई विल रिकमेंड ओनली पुटिंग 15 बीबीज। जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं या उन्होंने NCC वगैरह किया होगा, उनको पता होगा ये क्यों है। ये इसलिए किया जाता ताकि आपकी जो है गन की लाइफ बरकरार रहे। आई एम यूजिंग दिस गन फ्रॉम आफ्टर लाइक, इसको मैंने लगा दिया। द गन इज रेडी नाउ, ये फायरिंग मोड पे है। इसके अंदर मैं मैगजीन लगाऊंगा और पुल इट, ये लोड हो गया है। अब जो है ये सेफ मोड पे चला गया। खाली में सेफ मोड पे जाता नहीं है, जब आपने लोड कर दिया तो अब ये लॉक हो गया। तो अब आप देखोगे चलेगा नहीं, ये लॉक हो गया। आप देख रहे हो सामने एक टारगेट है, हाँ हमारे पास गन है, हम इसको चला के देखते हैं। तो पहले मैं इसको सेफ्टी को खोल देता हूँ। वॉच, ओह OMG, कितना ज़्यादा प्रेशर था गाइस, कितना ज़्यादा प्रेशर था, दैट वॉज पावरफुल। बहुत ज़्यादा ब्लो बैक तो इसका कमाल का है यार, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज है। मैगजीन खाली हो गया,
चलिए जाके देखते हैं हमने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा जब हम फायरिंग करते हैं तो गोलियां कितनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती हैं, और इसमें देखिए सिर्फ एक गोली बाहर गया था ओवर कॉन्फिडेंस में या फिर मैंने ध्यान से दिया नहीं, बट स्टिल इतना मैंने फास्ट फास्ट चलाया उसके बाद भी सारी की सारी गोलियां ब्लैक में लगी हैं, विच इज़ ग्रेट। एक ब्लो बैक, और ये ब्लो बैक है, आप समझ सकते हो ये कितना एक्यूरेट है और कितना सही चल रहा है। आई डोंट नो, या तो आज मेरा मूड अच्छा है, आज मैंने निशाना काफ़ी अच्छा लगाया। दिस इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस गाइज, आई एम इम्प्रेस्ड बाय माई यू नो डिज़ाइन और माई शूटिंग स्किल्स। देखा ये गन कितना ऑसम था, कितना अमेजिंग था। चलिए इसको हम लोग खाली करते हैं, दिस इज़ द पार्ट। मैं इसको चेक करूंगा कि ये बिल्कुल खाली है। खाली होने के बाद आपको पता है कि इसके अंदर जो है हमने CO2 को स्टोर करके नहीं रखना है। अगर आप CO2 को स्टोर करके रखते हैं, इवन खाली सिलेंडर को इसके अंदर रखते हैं, तो इसका सील जो है ख़राब होने का डर रहता है। यहाँ प्रेस करके भी खोल सकते हैं, या आई प्रिफर द ओल्ड स्कूल, मैं यहाँ से जो है CO2 निकाल देता हूँ। पेलगन ऑयल का इस्तेमाल करिए, पेलगन ऑयल जो है हर 4-5 शॉट्स के बाद एक बूंद डाल लीजिए, तो इससे क्या है कि अंदर की लुब्रिकेशन बनी रहेगी। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, अगर आपका परचेस करने का मूड है, आपको पता है कहाँ से मिलेगा, हमारी वेबसाइट है airsoftgunindia.com, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाकर के आप इसे परचेस कर सकते हैं। हम ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं, जब भी आप इसे परचेस करेंगे आपको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है इसके लिए आईडी प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको आईडी प्रूफ देना होगा। एंड देन आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करके इसे खरीद सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप किस वीडियो के बारे में देखना चाहेंगे, हाउ टू। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वी विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन इट। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस वॉज CZ75 मॉडल बाय एयरसॉफ्ट गन इंडिया।